खिलाओगे मुबारक बात सुनिए मिठाई आपका चश्मा जो है ना आई लव इट मुझे बहुत पसंद है आई लाइक काम जाते थे तो वहाँ पे जो ना आटा गूंथ के उसके बदले मुझे इन्हें बाइट खिलानी पड़ेगी अपनी जबड़ से। हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर में बैठ के मुझे देख रहे होंगे। सो आज ये फ्राइडे तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक हो। आप सब ने अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है, हमें भी याद रखना है और बाकी सबको भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। सो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है एंड इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत अच्छा बनेगा और बाकी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आप लोग साथ रहो, देखो, इंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग यहीं से। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। रिजल्ट आ गया बच्चों। वाह भाई वाह, मुझे बुलाओगे सारा भी चेक। पहली दफा नहीं कर रहे हैं, एक दफा कर चुके हैं। पहली दफा में मैंने ही करा था तो आ गया ना, दूसरी दफा करना। और सुमैया पी के ये आया और आपका क्या है? बी ग्रेड। बी ग्रेड ठीक है। और आपका? मेरा भी आया ही नहीं यार, दुआ करिएगा मेरा रिजल्ट अच्छा आए। हां आपका सी ग्रेड आएगा। घर पे सब बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ टाटा टाटा। सोनिया ने मम्मा को बताया, मम्मा समझ रही है बी नहीं आया डी आया बेचारी सुन लिया चली गई। हाँ चलो मुबारकबाद सोनिया मिठाई। तुम ले लो पप्पी, ले लो एक दो के। चलो यार हमें बी बी आ गया, हमें बी की भी उम्मीद ही नहीं थी वैसे तो। फेल ही हो जाएंगी है ना सोनिया, तुम्हें पता भी नमाज में भी दुआ मांगी थी यही बैठ के कि अल्लाह करे सोनिया आप ही जो ना अल्लाह करे सोनिया आप ही ना एक ग्रेट लाए, आमीन, ये दुआ मांग रही थी। देखो मुझे पता है लेकिन ये दुआ बिल्कुल नहीं मांगी थी। और अभी मुझे आके बोल रही थी कि ना सोना भी, आपको पता है सोनिया आपी का रिजल्ट आई है और वो ना फेल आई है। मैंने नहीं बोला, झूठ यार। फेल आई होगी, मैंने दुआ मांगी है। अच्छा तुमने ये नहीं बोला था सोनिया अभी फेल आई है अभी मुझे आके? नहीं बोला था। पहले जुम्मा मुबारक सबको और एक दूसरे को दुआ में आते हैं। हाँ बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि बी ग्रेड आया। हाँ बी ग्रेड आया तेरा शुक्र है। अभी एक कॉलेज का ए ग्रेड तो नहीं आ सका बच्ची का, लेकिन बीबी चले बुरा नहीं है। हम तो बीबी माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह ये है। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, नहीं, नहीं। तुम्हारी तरह तो नहीं है। अभी तुम्हारे बारे में बताओ, तुम कैसी थी पहले बचपन में? बचपन की बात कर रही हूँ, अभी तो बहुत अच्छा पढ़ रही है, अच्छे अच्छे टेस्ट दे रही है। सारे 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में। हाँ अभी तो अच्छा पढ़ने लग गई है। 10 में से 10 बोल के आंखें क्यों बंद? झूठ बोली थी ना इसलिए हुई है। झूठ नहीं पेपर। अच्छा चलो चलो सबको कामयाब। मम्मा अब आप नमाज पढ़ के ना मेरी दुआ करिएगा इंशाल्लाह। मुझे तो टेंशन हो रही है मेरा क्या आएगा। अच्छा नहीं आएगा मैं बता रही हूँ। नहीं नहीं अच्छा आएगा इंशाल्लाह। तुम काली जबान नहीं बोला करो अपनी काली जबान से। चलो कोई बात नहीं मेरी बच्ची, जुम्मे वाले दिन मारे। कैसी हो मुन्नी? और अभी सोनिया का तो रिजल्ट आप लोग को पता चली गया है क्या रिजल्ट आया है। सही सोनिया का बी ग्रेड बना है, बस आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा यार, मेरा रिजल्ट भी अच्छा सा आ जाए और आने ही वाले है। आई थिंक अब मेरे अब आई थिंक अब हमारी बारी है सेकेंड ईयर की है। सो लेट्स सी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। डर तो बहुत लग रहा है लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा आएगा, उम्मीद अच्छी है। और बाकी अभी मम्मा इधर आके बैठ गई हैं, ऊपर चल रहे हैं ना आज। हाँ आज मम्मा भी हमारे साथ जाएंगी, अभी हम ऊपर जाएंगे और शरीफ वगैरह पढ़ते हैं जो हर फ्राइडे को पढ़ते हैं वही सब कुछ। सो चलते हैं। आज भी देखना सोनिया को हम बुला बुला के थक जाएंगे लेकिन आएगी नहीं है ना। लेकिन हमने हम बिचारी को जो है ना खुद ही वो कर देते हैं, चलो छोड़ो आज तो रिजल्ट आया ना, अपनी दोस्तों से बात करने में बिजी है बिचारी है ना। चलो अच्छा मैं क्या बच्ची हूँ, मैंने चल नहीं सकती खुद से, मुझे चलना नहीं आता, मेरे पाँव नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे पाँव नहीं दिए, मैं चुड़ैल थोड़ी हूँ। चले अम्मा ओके सी। अच्छा अभी मैं भी जाती हूँ ऊपर और फिर ऊपर चल के पढ़ते हैं। मैं मम्मा मैं चप्पल पहन कर आ रही हूँ, नहीं मैं जाऊँगी, बहाने नहीं बना रही, आ रही हूँ। पढ़कर चले भी गए आखिर में, मैं और अलिया बचे हैं बस यहाँ पे। हम इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए बातें वगैरह कर रहे थे और चिया तो वो रखी हुई, सब ने पढ़ भी ली, हमने पैक भी कर ली, जानमाज ये रही इसके ऊपर हम रख के पढ़ते हैं। और अब जो है मैं भी नीचे जा रही हूँ और आज हमारे नेबर से भी क्या है सूर्य मुजम्मिल का खत्म है तो उन्होंने भी हमें बुलाया था, लेकिन जो है सिर्फ मम्मा और चाची जा रही और मैं जा रही हूँ। और अलिया तो मुझे पता है सिर्फ ट्यूशन से बचकर जा रही है, इसे पढ़ना वढ़ना है नहीं यहाँ पे। अल्लाह के काम के लिए आ रही हूँ मैं,
हाँ वरना तो जाती नहीं, या तो खाने या खाने पीने के लिए जा रही होगी, देखेगी जाके क्या क्या है खाने में। अल्लाह का काम है, आप भी चलो। यार आज आप जा रही हैं बराबर में, क्या है सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म। ओके अभी क्या पढ़ी आप? सूरह मुज़म्मिल ही पढ़ रही हूं। तो वहाँ पे जाके नहीं पढ़ेंगी? यहाँ भी पढ़ के जाएंगे। अच्छा ये घर के लिए पढ़ी है। ओके आपका चश्मा जो है ना, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट। बल्कि मेरे जो कान है ना वो डंडियों का बोझ बनते हैं, क्योंकि मेरी नाक इसका बोझ बन रहा है। ओके तो अभी मम्मा भी चली जाएंगी और फिर हम तीनों ही होंगे घर पे, और फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है ब्लॉग में। मुझे अपना ब्लॉग भी एडिट करना है, तो मैं जा रही हूँ अपना ब्लॉग एडिट करने, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह। A few moments later जो है हम नमाज वगैरह पढ़ के बैठे हैं, अभी मगरिब की अजान हुई है, अंधेरा भी हो गया है यहाँ पर, और अभी हम सब बस ऐसे ही बैठे हैं। बाबा का भी वेट हो रहा है, आज लेट हो गए वो। और मम्मा अभी आप गई हुई थी पढ़ने, कैसा रहा आपका, मज़ा आया? पढ़ाई में तो मज़ा आता है। वैसे अब सब सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करवाएंगे इस महीने में, इस महीने में करवाते हैं, सफ़र का महीना है ये, इसमें रिस्क के इजाफे के लिए, खैर बरकत के लिए। अच्छा तो ये पढ़ा जाता है, वैसे तो पढ़ना चाहिए हर दिन ही पढ़ना चाहिए सूरह मुज़म्मिल, रिस्क के लिए होता है, और ना अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे। और लेकिन सफ़र के महीने में ज़्यादातर लोग पढ़ाते हैं अपने घरों में खैर बरकत के लिए। अच्छा अब तो ये होता है कि ना पढ़वाते हैं तो कुछ भी रख दिया गिनती के लिए, क्वांटिटी के लिए चने रख दिए या कोई भी। पहले जब हम छोटे थे ना तो हमारी अम्मी ताई चचियाँ क्या होता था, और मोहल्ले में भी होता था, हम जाते थे तो वहाँ पे जो ना आटा गूंद के उसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना देते थे गिनती क्वांटिटी के लिए ना, उसके ऊपर हम लोग पढ़ते थे। और फिर वो आटा जो है ना सब जमा करके एक जगह, और किमाड़ी पे नेटी चटी का पुल था वहाँ पर, वो डालते थे, कहते थे कि ये रिस्क जो है ना, ये रिस्क है, मछलियों के पेट में जाएगा तो वो दुआ देती हैं। तो और तो हम लोग जो है ना, मैं अपनी ताई के साथ जाती थी किमाड़ी पे ना, वो मछलियों का वो इतना मज़ा आता था, अक्सर लोग आए हुए होते थे वहाँ पे ना, वो गोलियाँ। अब तो नहीं करते लोग, मुझे भी याद है बहुत पहले कभी। हाँ और फिर अब जो बात है ना, एडवांस दौर हो गया है तो लोग, लेकिन ये है कि लोग अब भी ये करते हैं कि जितना जैसे आटे की साहिब सितात जितना जैसे 1 किलो आटे के पैसे किसी गरीब को दे दिए। अच्छा। तो ये अच्छी बात है। हाँ। और वैसे तो अक्सर मैं सुनती थी पहले कि ना लोग पहले जो है ना भूसी टुकड़े जो होते हैं ना घर में बासी रोटी वगैरह जमा कर ली, तो अब तो ये है कि भूसी टुकड़े वाले आते हैं, इतने आते हैं अब तो उनको दे देते हैं, लेकिन पहले ये होता था कि जमा करके एक दिन जो है ना हफ्ते में एक दिन जाके वो पुल पे खड़े होकर मछलियों को डाल देते थे, तो इस तरह उनको रिस्क पहुँच जाता था। तो भूसे टुकड़े वाले किसको देते हैं? ये लोग भी जो है ना, ये गाय वगैरह बाड़े होते हैं ना वहाँ पे दे देते हैं रोटी, तो भी लोग गाय वगैरह को खिला देते हैं। तो पहले का दौर तो बहुत ही मजे का था, आप यकीन करें मोहल्ले में इतनी पढ़ाई होती थी, लेकिन अब जो है ना बहुत कम हो गई ये चीज़। हाँ लेकिन अब माहौल भी ऐसा नहीं रहा, पहले तो हमारा माहौल बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब आते जाते भी बच्चों को भेजना या खुद भी जाना जरा होता है, लेकिन ये एक चंद घर होते हैं जैसे बराबर मेरे सामने, तो ये तो खास करीबी पड़ोसी होते हैं तो इनके यहाँ तो जाते हैं पढ़ना, वो अब बुलाता भी नहीं है कोई, तो अब कोई यहाँ इतना बुलाता भी नहीं है, कोई इतना करता ही नहीं है ज़्यादा। हाँ। बहुत बहुत लिमिटेड हो गया है ये। यहाँ पे देखें बिरयानी लेके घूम रही है, केला केले खा रही है, और सामिया नियत लगाती हुई जा रही है। छोड़ दो अच्छी है, क्या हो गया, मुझे भी भूख लग रही है यार, इतनी बुद्धि हो रही है, कोई नहीं शादी कर दो उसकी अगर बुद्धि हो रही है तो, है ना। देखो बिचारी ने वो भी बचा दी, तुमने इतनी नियत लगाई ना, वैसे रात में खाएगी, रात में खाने के लिए बचाई है। हाँ मुझे तो भूख लग रही थी, इसलिए आज मैंने अपने लिए मंगवा लिया बाहर से शवरमा, लेकिन ये शवरमा मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जो मैं अकेले खा लूंगी, मेरी दो बहनें यहाँ पे पहले से ही खड़ी हुई है खाने के लिए, मैंने सिर्फ बिरयानी का एक स्पून लिया था, अब एक स्पून के बदले मुझे इन्हें बाइट खिलानी पड़ेगी अपने शवरमे की। लड़ाई क्यों कर रहे हो दोनों? अच्छा आप तो नहीं खाओगी ना, मैंने आपकी बिरयानी नहीं खाई और मैं आपकी बिरयानी खाऊंगी भी नहीं, इसलिए मेरा शवरमा नहीं खाना। मैं अच्छा पूछना भी आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी मर्जी है कि मैं आपसे नहीं पूछूं, क्योंकि मुझे पता आप खाओगी। बस बेचारी के पास एक ही काम है, लेटना। चलो जल्दी से खिला देती हूँ, दोनों मेरी बहनें ही हैं, खिलाओ भाई जल्दी ने बेचारी, देखे आपकी कौन सी अच्छी है? बिल्कुल ब्लैक है, ये देखो ब्लैक आ रही, जब भी कह रही हूँ पीछे जल्दी खिलाओ, देखो सही से खाना, तमीज से खाना, सही है, तमीज से खाना, सही है, तमीज
बस बस वहाँ पे कितना बोलोगी बेचारी तमीज से ही खाती है। ये बहुत गंदी है, गंदी तरीके से खाती है। अच्छा दांत अंदर कर लो, बहुत बुरी लग रही यार। चलो हाँ ये देखो मुंह देखो कितना बड़ा। यस बस फिर आज का ब्लॉग अब हम यही एंड करते हैं। सो आई होप आप सब लोग ने एंजॉय करा होगा। बस आप लोग ने एक काम करना है, जल्दी जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना तो बस भूलना ही नहीं है। बस जल्दी जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। so, बस चलते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा।